आमतौर पर गणेश और दुर्गा प्रतिमा के स्थापना की परंपरा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में प्रचलित है, लेकिन सागर की लाजपतपुरा बाढ़ इलाके में पिछले 4 सालों से दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी की स्थापना की जाती है, जो यहां के नन्हे मासूम करते हैं। इसके बाद देव उठनी एकादशी पर पूजा हवन के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल प्रदेश का सागर शहर भारत वर्ष के उन चुनिंदा जगहों में शुमार है जहां पर मां लक्ष्मी की स्थापना और विसर्जन की परंपरा है। सागर में मां लक्ष्मी की नन्हे मासूमों द्वारा स्थापना और विसर्जन की यह परंपरा पिछले 4 सालों से चली आ रही है, जहां सागर शहर के लाजपतपुरा बाढ़ में शारदीय नवरात्रि की तरह दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की स्थापना की जाती है। खास बात यह है कि ये परंपरा बाढ़ के मासूमों द्वारा पिछले 4 साल पहले शुरू की गई थी, तब से लेकर आज तक यह सिलसिला लगातार जारी है और अब इस परंपरा में बाढ़ के युवा, बुजुर्ग सहित महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। बाल लक्ष्मी समिति के सदस्य प्रभात लारिया ने बताया कि नवरात्रि की तरह यहां दीपावली से एकादशी तक उत्सव जैसा माहौल होता है। दीपावली के दिन धूमधाम से मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, फिर देव उठनी एकादशी के दिन विधि विधान से मां की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। क्या नाम है? प्रभात। लक्ष्मी जी रख रहे हो? कब से रख रहे हो यहाँ? 4 साल हुए हम लोग को। और घर पे रखते थे। अच्छा, और कौन कौन है तुम लोग के साथ? जे जितने खड़े हैं सब लोग। नाम बता दे। नमन, बंस, ओम पंडा, चिन्नू। क्या नाम है तुम्हारी कमेटी का? बाल लक्ष्मी कमेटी। बाल लक्ष्मी कमेटी कब रखते हो? ये दीपावली के दिन और 11 को सरा देते हैं। सागर से नफीस खान के साथ आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।